नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान के बारा जिला के मांगरोल भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका में नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे एक दर्जन से अधिक कामों की सूचना मांगी है। भाजपा पार्षद प्रहलाद सिंह सोलंकी, जय प्रकाश सुमन, भरत चौरसिया, पवन चोपड़ा ने लेटर पैड पर शिकायत दर्ज कराकर पालिका अधिकारी से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी। नेता प्रतिपक्ष भाजपा पार्षद प्रहलाद सिंह सोलंकी ने बताया कि वर्तमान में मांगरोल नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड काबिज है, जिनके द्वारा निर्माण के नाम पर अवैध चोत वसूली की जा रही है। ऐसे में किन किन को निर्माण स्वीकृति दी गई, कितने पट्टे निःशुल्क बांटे गए, किस किस से विकास शुल्क के नाम पर राशि वसूली गई, यह जानकारी मांगी गई है। जबकि राज्य सरकार द्वारा एक रुपये में पट्टे 40 साल ना 91 एका पट्टे 500 रुपए में जारी करने के सख्त आदेश है। विकास शुल्क के नाम पर लोगों से वसूली गई राशि की जानकारी मांगी गई है। साथ ही पिछले साल हुए टेंडर के बाद नालियों में डाली गई जालियां कहां कहां डली, कितनी मात्रा में कितने किलो डली, उसका कोई अता पता नहीं है। इसका कितना भुगतान किया गया, आए दिन बिना बोर्ड की बैठक के मनमर्जी से टेंडर निकाले जा रहे हैं। पार्षद भरत चौरसिया ने प्रशासन शहरों के अभियान में जारी पट्टे की संख्या, वसूली गई राशि का लेखा जोखा, 2020-21 में जारी की गई निर्माण स्वीकृति की सूचना मांगी है। पार्षद जय प्रकाश सुमन ने बमोरी रोड सूरजा तालाब में बनाए जा रहे पब्लिक पार्क में करवाई जा रही पक्की बाउंड्री वॉल, हो रहे अतिक्रमण, हटाए गए अतिक्रमण की सूचना, कचरा गाड़िया का लेखा जोखा, मंगलेश्वर महादेव मंदिर सोरती बावड़ी की खेल जमीन से प्रतिवर्ष कितनी आय हो रही है, यह राशि किस मद में है, जानकारी मांगी गई है। संवाददाता कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। सरकार की शिकायतें पार्षदों द्वारा आपको दी गई है, किस प्रकार की अपेक्षाएं आपसे पार्षदों द्वारा की गई है? मैं देखा भी नहीं, ग्रेवल्स का है, कुछ क्या है कि स्पीड ब्रेकर का है, कुछ क्या है कचरा है, गाड़ियां हैं उनकी रिपेयरिंग का है, और ये मेला ग्राउंड और ये पब्लिक पार्क में बाउंड्री वॉल कराई है, वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ उसकी पूरी जानकारी देने का। किन किन चीज़ों को लेकर आपने नगर पालिका में पिछले 2 साल से बोर्ड कार्यरत है, लेकिन बोर्ड में नगर में जितने भी निर्माण चल रहे हैं उनसे भी मन मर्जी से चोत वसूली की जा रही, कोई निर्माण समिति नहीं है। किसका निर्माण किया जा रहा है, किसका नहीं किया जा रहा है, कौन निर्माण स्वीकृति ले रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हमने ज्ञापन देकर निर्माण की स्वीकृति किन लोगों को जारी की गई, कितने पट्टे बनाए गए और कितने किन लोगों से विकास शुल्क के नाम पे ली गई, जबकि राज्य सरकार का सख्त निर्देश है कि 1 रुपये में पट्टा 40 सालाना और 9A का पट्टा 500 रुपये में जारी करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका गुप्त तरीके से विकास शुल्क के नाम पर चोत वसूली कर रही है, लेकिन फिलहाल में इन्होंने बंद कर दी, उसकी भी जानकारी मांगी है। नगर पालिका में पिछले साल जो जाली का निर्माण का टेंडर हुआ था, जालियां कहाँ कहाँ डली, कितनी मात्रा में कितने किलो की जालियां डली, उसका कोई पता नहीं है, कितना पेमेंट उनको किया गया, ये हम ये पूछना चाह रहे हैं नगर पालिका से। हमने विभिन्न सूचनाएं मांगी है, ग्रेवल डली है तो कितनी डली है, और जो आए दिन टेंडर निकल रहे हैं लेकिन बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई, मन मर्जी से टेंडर निकाले जा रहे हैं, अब इसमें किसकी मिली भगत है, हम ये सारी जानकारी लेकर नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद क्रमबद्ध है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह सोलंकी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका।